अभी हम ज्योमेट्री डोमेट्री पता कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर चेक करने के लिए ज्योमेट्री और ज्योमेट्री। ठीक है गाइस देख लो कितना होगा इसका। तो गाइस ये देख लो, ये अपना है। अभी हम ये वाला बुक किया हमने और यहीं पे अभी रुकेंगे। ये कुछ इस तरीके का रूम है और इधर वॉशरूम है, इसी में अटैच है। लेकिन इसमें व्यू जो है ना, वो व्यू बड़ा मस्त मिला है यार हमको। व्यू आपको दिखाता हूँ, क्या गजब है। इधर गंगा जी और इधर लक्ष्मी झूला, क्या मस्त व्यू मिला आपको। देख सकते हैं ये वाला अभी देखने आए हैं रूम। डोमेट्री तो हमें थोड़ा सा वैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ से व्यू बड़ा मस्त है। क्या बोलता है यहीं पे? ठीक है, व्यू भी बड़ा सही है। तो अभी यहाँ वाला अभी हमको पसंद आया है। ठीक है, तो आज रात जो है हमारा स्टे यहाँ वाले में, वो वाला तो वो बता रहा था वीकेंड पे बढ़ जाएगा, लेकिन हमको ये सही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो हम यहीं पर। ठीक है, राफ्टर्स दिखा दिए। कितनी बार राफ्टर्स दिखाएगा, पूरी वीडियो में राफ्टर ही दिख रहे हैं। चलो हम भी दिख जाएंगे। ये रे, ठीक है जी, ये रहा मॉल नीलकंठ की तरफ जाते हुए। हाँ जी, किस तरह का मॉल यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ है यहाँ पर। एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ी है गंगा मैया। खाई और एक तरफ पहाड़ दिखाने वाले हिमांशु जी स्कूटी चलाते हुए। वाओ, क्या मजा आ रहा है यार। भाई ये ऊपर वादियाँ देखो आप, जरा वादियाँ देख लो आप जरा। और हमारी स्कूटी क्रूज कंट्रोल पे लग चुकी है, कोई टेंशन ही नहीं है। ऑटोमेटिक है ना? ऑटोमेटिक है, टेस्ला ने बनाई है हमारी टीवी है। दो ही लोगों की ऑटोमेटिक है, अंशुल चौधरी भी और एक हमारी जुपिटर। गाइस वो क्या है, वो नहीं आ रहा मेरे सामने। झाड़ है ये गाइस। नहीं नहीं, वो उसके पीछे भाई, वो चट्टान, क्या गजब है। यार कहीं यहाँ पे तुरंत गाड़ियाँ तो नहीं मुड़ जाती हैं आके? एकदम घुस जाती हैं। राफ्टर्स देख रहा है भाई, मौज आ रही है राफ्टरों। यार जाए जा रही है गाड़ी। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते उतरो कभी रूह में, क्या होता है। गाइस देख सकते हो आप, ऑल इंडिया ट्रेवल भारत यात्रा। भाई आपका नाम क्या है? भाई नाम क्या भाई आपका? जमशेद भाई। भाई बढ़िया, कहाँ से? जमशेद। जमशेद बढ़िया भाई, बढ़िया। जमशेद ब्लॉग्स, जमशेद ब्लॉग्स आपके यूट्यूब का नाम है। ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा चैनल है भाई हमारा, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अब आपके, मिलियंस में जाओगे। यूट्यूबर को हमारा तो बता दे, क्या पता हमारा बढ़ जाए सब्सक्राइबर। अच्छा पहाड़ों में चलाने का वीरे अलग ही मजा है भाई, क्या गजब है। देख रहे हो सामने, अभी नीलकंठ महादेव जा रहे हैं हम, और पहाड़ों में स्कूटी चलाने का खासकर अलग मजा है, बहुत ज्यादा। बाइक का अलग मजा है, स्कूटी का अलग मजा है, एकदम गाड़ी का भी अलग मजा है एकदम। वाह वाह वाह, वो 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 वो, ये देखा गाइस आपने किस तरीके से ऑफ रोडिंग करी है मांजू भाई ने। देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा हिमांशु भाई के फेस पे जो है आंखों में वो धूल भी जा रही है और डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हिमांशु भाई ने हेलमेट पहन लिया। अब तक ये पहन नहीं रहे थे, मैंने इनको बहुत बोला कि हेलमेट पहन लो, कह रहे नहीं ब्रो बिना हेलमेट के ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है उतार ले। गाइस अभी देखो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है कितना सारा, और अगली बार का हमारा प्लान है हम अपनी थार लेकर आएंगे तब यहाँ पर ऋषि के। अभी हमारी थार हमारे साथ है, ये देख लो आप। थार 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 नहीं है, जुपिटर है बस, बहुत है ये, छोटा मोटा नहीं है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक जाम क्योंकि हमारे पास छोटा वाहन है।
दोपहिया कहीं पे भी घुसा लो, दोपहिया कहीं भी घुसा लो आप, आज चार पहिया वाले खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। दोपहिया वाहन लेके चलोगे तो पाइया भी कम लगेंगी, चार पहिया वाहन लोगे तो पाइया ज्यादा। यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए रास्ता जा रहा है, ये वाला जो मुड़ रहा है रास्ता, और हम अभी सीधे निकल रहे हैं क्योंकि हमें नीलकंठ महादेव जी, देखो विष्णु जी की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा। ये गाइस जिला पंचायत की पर्ची कट गई है, 20 रुपए जरूर लेकर आना, 20 रुपए आप जरूर लेकर आए। जितनी गाड़ियां आपकी मोटरसाइकिल की और इसकी मतलब टू व्हीलर्स की पर्ची कट रही है ये, ठीक है जी, तो 20 रुपए की। अगर आप देख सकते हो आप राफ्टर्स कितना मजा ले रहे हैं, क्या व्यू है, किस व्यू का राफ्टर्स मजा ले रहे हैं, बहुत ही आनंदमय ये नजारा, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये तो बड़ी खूबसूरत, मुझे तो शौक ही, तो शौक ही पारो। यस, ये मैंने आए हिमांशु भाई के हेलमेट के ऊपर लगा दिया फोन, अब सही से रिकॉर्डिंग है। क्या गजब है, आहा, ये घुमावदार रास्ता, ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये घूम, हम भी नहीं जा पा रहे इस चक्कर में। ये देखो इन्होंने फंसा दिया बीच में इन्होंने, ये डीएल की गाड़ी है ना, आप देखो नंबर प्लेट डीएल गाड़ी, डीएल नंबर है ये, डीएल गाड़ियां तो ऐसी निकलती है जी, हमारी भी तो डीएल है ऐसी निकलेगी, हमारी भी डीएल है, अभी बीच में ही निकलेगी भाई, डीएल नंबर तो ऐसे निकलता है जी, नंबर बहुत खतरनाक है, समझ नहीं आता लोगों को, बहस कर रही है। ये भी डीएल है, ये यूके है भाई, यूनाइटेड किंगडम। हाँ भाई, ये लंगूर के सामने रोक लेता है, मेरी लंगूर से इतनी ज्यादा टप रही है क्योंकि लंगूर जो है चश्मा उठा के ले जाते हैं। हाँ बजा ले, बजा ले, आ जा, बजा जाने कहाँ को जाएगा, देख लो आप दोबारा देख लो राफ्टरों को, इतने राफ्टर हम लोग इसलिए दिखा रहे क्योंकि हम राफ्टिंग नहीं कर पाए, हमारी तो बहुत तगड़ी है, बस कभी कभी बेल्ट टूट जाती है, वो बात अलग है। व्यू देख रहे हो, व्यू देख रहे हो भाई साहब, व्यूज देख रहे हो आप, अरे लंगूर मत दिखा, बस लंगूरों से ही मेरे को बहुत डर लग रहा है देखने में, देखो भाई देखो भाई नजारा है। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पे वाटरफॉल की जगह है, यहाँ पे यहीं पे अभी रुके, छोटा सा वाटरफॉल है, ठीक है, तो अभी यहीं पे स्कूटी रोकी है हमने, यहीं पे स्कूटी रोकी है और यहीं पे अभी हम जा रहे हैं देख रहे हैं जाके, ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जा रहे हैं गाइस काफी। यहाँ पे देखो वाटरफॉल ये रहा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा नहा के निकल रहे हैं, और ये देखो ये रहा वहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, ये काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, क्या मौज काट रखी है लोगों ने। तो गाइज अभी राहुल को गाड़ी दे दी है मैंने, राहुल चला रहा है स्कूटी अपनी, तू ड्राइविंग पे ध्यान रखियो राहुल भाई, और मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, जो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, छोटी छोटी दुकानें पड़ रही हैं बीच में रास्ते में, हम नीलकंठ के रास्ते में अभी, और अभी वाटरफॉल दिखाया था अभी आपको, इसके आगे भी बताया एक और वाटरफॉल पड़ेगा, तो उसमें देख रहे राहुल खड़ा हुआ है इधर, और ये मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, क्या मस्त है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं सारी, तो चलो अभी आगे चलते हैं। नीचे रिजॉर्ट बने हुए कई सारे, कैसे रास्ते छोटे छोटे ऊपर पहाड़ियों में भी जा रहे हैं, अभी तो देख कितने छोटे होंगे, ये देखो पहाड़ी में जा रहे हैं, ये सांप जैसी लगती है रोड पर अगर तू देखेगा, आइए जैसे देख सकते हैं आप कैसे हम पहाड़ों में अभी मजे लेते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो गाइस खाइस खाइस, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ताजी ताजी लैंडस्लाइड हुई है।
इस देखो नीचे, मुझे शर्मा बता रहा है ये रशियन है। तो पागल है क्या? मैंने कुछ नहीं भी तो भाई का रशियन मछलियां तैर रही हैं यहाँ पे। रशियन मछलियां तैर रही हैं ये बोला है। रशियन मछलियां तैर रही हैं मछलियां। जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कैंप एक्वा फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं कैंप एक्वा फॉरेस्ट है यहाँ पे। और ये नीचे का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे भी आके आप नीलकंठ के जो रास्ते में है ना, हम उसी रास्ते में पड़ते हैं और इसी में यही आपको रिजॉर्ट मिल जाएगा। और आप स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। ये जैसा कि दूसरा बोर्ड इंडिकेट कर रहा है, बंजारा टोला कैंप्स एंड रिजॉर्ट, टू स्टैंड्स अटैच्ड टॉयलेट विद शावर। जैसा कि ये वाला बोर्ड इंडिकेट कर रहा है, पाम वैली कैंप है इधर, ठीक है। और ये अपना जो रास्ता है वो इस तरीके से मुड़ रहा है यहाँ पे, एडवेंचुरिया फॉरेस्ट कैंप। और ये नीचे की साइड जा रहा है, ये रहा रास्ता पूरा। और यहाँ पे जाके आप मजे ले सकते हैं। क्या आपको वैली में मजा आएगा, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। ऊपर तक वैली वैली, ऊपर पहाड़ और नीचे वैली, ऊपर पहाड़ और वैली। यहाँ पे आप मजे काट सकते हैं, पूरे मजे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सारे पैदल भी यात्रा कर रहे हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे देखो कई सारे पैदल यात्रा कर रहे हैं और सीधा जा रहे हैं। एक और जगह पे आए हैं। यहाँ पे भाई खाने पीने की जगह है मस्त। यहाँ पे फॉल सा लग रहा है, यहाँ कोई वाटरफॉल है। हाँ यहाँ पे भाई वाटरफॉल है। और ये रहा बीच में, रोक ले रास्ते के बीच में गाड़ी। और ये रहा फॉल। और यहाँ खाने पीने की जगह मस्त। और इधर है भाई नहाने की जगह। और अभी चलने उस साइड में। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम इस साइड में जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं। बाकी यहाँ पे फॉल जो है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। वाह भाई वाह, ये है भाई फॉल, वो गोल वाला जो फॉल था ये बता रहे। ये देख रहे हो भाई कितने लोग हैं यहाँ पे नहा रहे हैं, मजेदार एकदम। ये इसी में अभी नहाने का हमारे प्लानिंग है, अभी नहाते हैं अंदर जाके, ठीक है। मजेदार लग रहा है यहाँ पर होता है। तो ये देख सकते हैं अभी मेन्यू, अभी देख रहे हैं अभी हम मेन्यू। और अभी देखते हैं कुछ इसमें से यहाँ पे हमें कुछ सही लगता है तो अभी ऑर्डर करते हैं। अभी हमारा मंगाने का इरादा हो रहा है राजमा चावल और बेड बटर। नीचे लिखा आपको दिख रहा होगा बेड बटर, ना कि ब्रेड बटर। बेड बटर मंगाते हैं अभी। स्पेलिंग देखो कैसे पकड़ दिए, रग रग में इंग्लिश है ना। बेड बटर, बेड बटर अभी मंगाते और खाते हैं। यहाँ पे मजे लेते हैं अभी, खाते हैं अभी। मेन्यू सर बेड बटर ऑर्डर करके बाहर आ चुके हैं। और स्कूटी देखो उसने वहाँ पे कोने पे लगाई थी, उस वाले कोने पे लगाई थी, वहाँ पे लगाई थी। मैंने इधर करवाई है, मैंने इधर लगाई है। और वहाँ पे कोई टक्कर मारे तो सीधा फॉल में नहा के आ जाए स्कूटी। बहुत पागल है, जैसे वहीं पे टक्कर आके मारे, वो फॉल में जाने वाले ही टक्कर मारेगा उधर आके भी। देख सकते हैं अभी हम मेटल पे डिस्पोजल, मेटल पे डिस्पोजल लेके आए हैं। और अभी अपना राजमा चावल जो है, राजमा चावल जो है वो रेडी हो गया मेटल पे डिस्पोजल के साथ, प्लास्टिक भी। दिखा एक बार, दिखा विद प्लास्टिक इन पहाड़। और बगल में यहाँ पे फॉल है। अभी दूसरा बेड बटर आ गया है, बेड बटर बेड पकौड़ा। अभी इसको खाने वाले हैं। तो गाइस ये फॉल देख रहे हो, अभी अभी देख रहे हैं जाने का, नहाने का प्लान है हमारा, जा रहे हैं। देख लो क्या मस्त है यहाँ पे माहौल। क्या मजेदार व्यू है गाइस, देखो आप देख लो भाई।
काफी ऊपर आ चुके हैं। ये पान वाली टॉफी खा के आ गए हैं ऊपर। वाओ दैट्स अमेजिंग ब्रो। गाने ही भूल गए। मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम जिसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। 90s के गाने याद है पहाड़ों पे। बेताबिया ऐसी की तैसी करा तो ना लोगे, धड़कता है ये दिल तुम्हारे लिए, तुम सनम हमारे हुए, हम सनम तुम्हारे हुए, मंजिल मेरी बस तू ही तू, ख्वाहिश मेरी बस तू ही तू, बंदरों से पट गई मेरी तो डंगा, बंदरों ने फाड़ दी चुरा के तू मेरा गुरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ तू चली, दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी लगी गुरिया चली। और अल्लाह जो टॉक दैट वाज कोई ना नीचे आऊंगा नहीं अपना मर्डर ऑन माय माइंड जैसे मैली में सिविल में गवर्नमेंट भेजे मैनी मैन money on my mind just in me well not two or the other not you guy got the guy tanushka kar ho raha tanushka kahan ho raha tanushka upar wala hai ha lattu ka upar wala wo chota hai tanushka bada hai thoda niche ka wala beech mein ho raha ajay ka side mein lattu ka aur ajay ka dono ko side side wo jo dabba sa hai chota sa ye dono se ajay ka side mein ho raha ajay ka ajay ka ho raha anshul ka wo hai udhar upar है अंशुल का झाड़ियों में इधर अंशुल पहली में झाड़ बंदे का झाड़ियों में ही रहेगा। नगमा कहीं गूंजा कादिल ये तू आई, कहीं चटकी गली कोई मैं ये लोमड़ को रिकॉर्ड कर वो चीज आएगी नहीं भाई कैमरे में। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन कट ऑफ क्या बात ही उधर नीलकंठ 5 किलोमीटर है यहाँ से, बस 5 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे नीलकंठ बाबा जी के द्वार। यहाँ पे कुछ अच्छा गाइस देख रहे हो, चढ़ाई देख रहे हो आप, और वादियाँ देखो उधर, वैली देखो, टप टप रास्ता करके स्कूटी जो है वो दौड़े जा रही है। मौनी बाबा आश्रम भी है, ये देखो मौनी बाबा बैठे हुए बाबा। ये मंजू भाई घुमाते हुए स्कूटी पूरी चौकोर में, ये
ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रास्ते घूम रहे हैं इधर। गाइस दिखाऊं, मेरे मुंह पे इतनी धूल जम गई है ना गाइस, क्या करूं मैं, धूल रोड के ना यहाँ पे आ रही है, तो धूल रोड की काफी ज्यादा गाड़ियां चल रही है, उसकी वजह से मुंह पूरा गंदा हो चुका है, जाके धोऊंगा मैं वहां पे, जाके मुंह धोएगा। घुमावदार रास्तों का ही तो मजा है गाइस, घूमते जाओ। अब कुछ बता दो गाइस को, गाइस चाह रहे हैं कि आप बताओ गाइस, मंजिल में तो हमें बाबा मिल ही जाएंगे, बाबा भोलेनाथ मिल ही जाएंगे, लेकिन आप रास्तों का लुफ्त उठाइए, जो रास्तों का लुफ्त उठाता है वही बाबा भोलेनाथ से असली में मिल पाता है। जो नीलकंठ जाएगा मेरे मन को मोलेगा, बोले भोले का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, भोले का जादू है हाँ सर चढ़ के बोलेगा, ये भोले का 10,000 तो यार फिर तो मतलब हो ही गए, काफी हो गए गाइस। बीच में काफी सारे गांव पड़ रहे हैं, तो अलग अलग नाम है गांव, जैसे ये तो मौन गांव था, जैसे मौन गांव पड़ा था बीच में गाइस को वादियां दिखा दूं, दिखाओ कि गाइस ने तो कभी देखी नहीं ना, गाइस तो कभी पहाड़ में आए नहीं है, तो इस चक्कर में हमने सोचा आपको वादियां दिखा दें गाइस, वादियां दिखाओ। और ऊपर जो पहाड़ भाई, जो घर में दिखा रहा था ना, वो देखो कहाँ पर है, ऐसे लग रहे थे हवा के झोंके में उड़ जाएंगे, पेपर जैसे घर लग रहे हैं। वही तो, अब आप आगे आगे हो ना गाइस, आपको एक सुंदर नज़ारा ये देखिए गाइस, नीलकंठ महादेव के बहुत करीब है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो आई थिंक सो हम पहुँच गए हैं। हर हर महादेव। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसका मतलब है कि हम नीलकंठ बाबा मंदिर के बहुत ही नज़दीक हैं, और गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से शोर चला रहा है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है गाइस, ये देखिए यहाँ से रूट डाइवर्ट हो रहा है। आपने दो रास्ते देखे हुए थे जहाँ पर डाइवर्जन था, उसमें से हमें नीचे वाले रास्ते पर लेनी थी, ऊपर वाला रास्ता शायद गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग है। यूके पुलिस के काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहाँ पे यूके पुलिस के काफी ज्यादा जवान यहाँ पर जो मुस्तैद हैं, हथियारों से लैस, कैसे लैस हैं मंजू भाई, हथियारों से लैस।